विधायक जी को जो आपने वोट दिया होगा उन्होंने कर्ज उतारा है आपके वोट का? कर्ज क्या, जैसा सरकार है सबका किडनी फेफड़ा सब दिख जाएगा। कोई चीज का व्यवस्था सही नहीं है, ना इलाज का सही व्यवस्था है, ना शिक्षा का व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था तो जी सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। कुछ तो कमी है लेकिन पूरा हो जाएगा। युवा लोग बहुत ही आक्रोशित है सरकार से। हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे अच्छी इलाज नहीं होती। पानी तो ठीक है, सड़क की हालत तो बहुत खराब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 45 की खास पेशकश बात पब्लिक की और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव का महात्योहार है और ऐसे में 45 की टीम गिरिडीह विधानसभा पहुंच चुकी है गिरिडीह की जनता के मूड को जानने की। अगर हम गिरिडीह की बात कर ले तो इस बार सीधा मुकाबला जेएमएम के प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू और बीजेपी के प्रत्याशी निर्भय शाहबादी के बीच में है। लेकिन वो तो प्रत्याशियों की बात होगी, जनता की जब हम बात कर रहे हैं तो तमाम मुद्दों पर जनता अपनी बातों को रख रही है कि आखिर जनता के मन में इस बार क्या है, तो गिरिडीह की जनता का क्या कुछ मन है, क्या कुछ वो तेवर दिखा रहे हैं, क्या कुछ चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सीधा गिरिडीह की जनता से बात करने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? एमडी जहांगीर। वोट देने चाहिएगा, 5 साल पीछे का भी और आगे का भी सोच के दीजिएगा। क्या कुछ इस बार के मुद्दे हैं जहां पे लग रहा है कि आपको कमी रह गई है? कमी तो गिरिडीह में बहुत सारा है, अभी तो हम लोग तो जमीन ही है। कुछ बदलाव हुआ है गिरिडीह में? बदलाव तो बहुत सारा बदलाव हुआ है, बहुत सारा बदलाव हुआ। चलिए, वोट पार्ट पे लग रहा तो उसी का देना भी क्यों लग रहा, जो ठेला लग रहा, जो देख रहे सब्जी का सब सोनू का देन है। बदलाव हुआ है मतलब? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साजिद। वोट देने चाहिएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? कुछ गिरिडीह की तस्वीर कुछ बदली है? बहुत सारा बदली है। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे, आखिर उनके मन में क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? शिवम कुमार। वोट देने चाहिएगा, युवा है, रोजगार के तमाम मुद्दे उठते हैं, रोजगार मिला है? बिल्कुल नहीं, 5 सालों में सरकार ने 5 लाख नौकरी का वादा किया था जो कि बिल्कुल सरकार फेल है। हम लोग युवा लोग बहुत ही आक्रोशित है सरकार से और चाहेंगे कि बदलाव हो। चलिए, कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है कि बदलाव हो, ये इनकी लगातार प्रतिनिधियों से मांग भी। कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? बबलू। वोट देने चाहिएगा बबलू जी, क्या सोच के वोट दीजिएगा? कुछ बदलाव हुआ है गिरिडीह में? बदलाव तो हुआ है लेकिन 5 साल का भविष्य है, कैसा भविष्य चाहिए? भविष्य क्या चाहिए, हम लोग को जो चल रहा है बस उसी तरह चल। क्या नाम हुआ आपका सर? मोहम्मद जहांगीर। थोड़ा आगे आ जाइए सर। क्या देखिए, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? हाँ, विकास तो चाहिए। चलिए, विकास चाहिए, इन्हें तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं क्योंकि देखिए जनता है, जनता यही चाहती है कि जो भी जनप्रतिनिधि को हम चुन के ला रहे हैं 5 सालों के लिए वो हमारे लिए काम करे, उनके भविष्य को सुधारे। क्या नाम हुआ सर आपका? रंजीत कुमार। रंजीत जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? पलायन का भी मुद्दा यहाँ पे है और ऐसे में क्या लग रहा है, कुछ इन समस्याओं पर आपकी कुछ प्रतिक्रिया, कैसा चाहिए प्रतिनिधि? बढ़िया होना चाहिए और क्या। उन्होंने कहा है कि बढ़िया होना चाहिए, और भी लोगों से हम जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम वसीम खान हुआ। वसीम जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? कुछ बदलाव हुआ है? जो सड़क है, पानी है, मूलभूत सुविधा, वो सब यहाँ सही चल रही है? देखिए, अगर देखा जाए तो विकास 1 साल से ही नजर आया, बाकी और उधर तो कुछ था नहीं। और यहाँ पे गिरिडीह पर कोई भी विधायक ध्यान नहीं दिए, इससे पहले भाजपा की सरकार थी। आज देखिए बगल में धनबाद है, आज देखिए धनबाद कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मगर गिरिडीह शहर में जैसा था वो ऐसा आज भी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। छोटा शहर है, जो भी यहाँ के जीत के आते हैं या किसी भी पार्टी को, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, वो विकास नहीं करते हैं। वो 5 साल अपना आते हैं जाते हैं मगर यहाँ के बारे में कोई सोचता नहीं है। बदलाव चाहिए आप? बदलाव चाहिए, कोई भी आए तो यहाँ के लिए बारे में सोचे, ना कि खुद के बारे में सोचे। यहाँ की इतनी जनता क्यों आपको पसंद करती है, कुछ चाहती है तब ना आपको पसंद करती है। इसलिए यहाँ के जनता को चाहिए क्या, विकास चाहिए, और आपसे तो बेनिफिट लेना नहीं है। अच्छी सड़कें हुए, बिजली व्यवस्था कुछ ठीक हो, हर चीज़ के, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे क्या, हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे अच्छी इलाज नहीं होती है। आप कोई भी हॉस्पिटल जाइएगा तुरंत आपको रेफर कर देगा, यहाँ बगल में आपको है तुरंत। यहाँ पे एम्बुलेंस की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही, कि यहाँ पर हॉस्पिटल है ही नहीं, क्या कोई भी, क्या बच्चा को, बड़ा हो या कुछ भी हो, ये सब है समस्या। जो हम लोग चाहते हैं कि जो भी अगर नया
नेता जो आए ये चीज पर ध्यान दे। देखिए बिल्कुल, स्वास्थ्य की व्यवस्था की उन्होंने बात कही है, पानी की बात कही है, सड़क की बात की है, कि एम्बुलेंस को लेकर उन्होंने कहा है कि प्रॉब्लम होता है, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इन तमाम मुद्दों पर जो भी प्रतिनिधि आए वो नजर बनाए और इनकी समस्याओं का समाधान निकाले। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, वोट देने जाइएगा, क्या लग रहा है, कुछ तस्वीर बदली है, कुछ विकास हुआ है आपकी गिरिडीह का? हाँ हुआ तो है। क्या नाम हुआ सर? सुधांशु कुमार। सुधांशु, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? विकास को देख के वोट देंगे। आपका क्या नाम हुआ? सक्षम कुमार। सक्षम जी, देखिए 5 साल पहले भी वोट दिया होगा आपने, तो विधायक जी ने कर्ज उतारा है? असर तो आ रहा है, वो कि काम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर इसी तरह आगे भी 5 साल काम करते हैं तो मेरा वोट एकदम उन्हीं के लिए रहेगा। मेरा काम है कि गिरिडीह को जितना से अच्छा बना सके वैसा कैंडिडेट को हम गिरिडीह में चाहते हैं। चलिए देखिए, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विकास को सोचते हुए वोट देने जा रहे। कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? अमित अग्रवाल। अमित जी, वोट देने जाइएगा, जब गिरिडीह की जब बात हो रही है तो तमाम मुद्दे हैं, सड़क को लेकर, पानी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, आपके मुद्दे क्या है, कौन सा, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? गिरिडीह में कभी ठीक नहीं हो सकता कुछ भी, बदलाव चाहिए, स्टेबल ही नहीं रहता ना गवर्नमेंट, जब तक ये चोरी करप्शन कंप्लीट ना हो तब तक कुछ ना हो सकता। उन्होंने कहा है कि चोरी करप्शन भ्रष्टाचार इस तरह के मामले नहीं होने चाहिए, तभी गिरिडीह का विकास हो सकता है। कुछ और भी लोग हमारे साथ बने, उनका भी रुख करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? शुभम। शुभम जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के, कहा आप, यहाँ आपका नहीं है, यहाँ नहीं रहते? उन्होंने कहा यहाँ नहीं रहते, लेकिन साफ तौर पर कहा जाए जनता अपना मूड बना चुकी है। क्या नाम हुआ सर आपका? राजा। राजा जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा, कुछ विकास हुआ है? विकास के नाम पे तो कुछ नहीं है, रोजगार के बेसिस पे तो वोट देने का सोचा था, लेकिन जो जेएसएससी का भी न्यूज चला हुआ है उस हिसाब से, पेपर लीक का मामला, सारे स्टूडेंट उसी के धरने में बैठे हुए पड़े, तो कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए पेपर लीक के जो मामले जो सामने आते हैं, तो जब आगे आप लोग कोशिश करते होंगे, आगे और भी तैयारियां करते होंगे, तो क्या कुछ उसमें लूप होल जो है उसमें सुधार होना चाहिए, जिसकी वजह से और भी ये जो सिस्टम है वो बिल्कुल स्मूथ चले? मेन तो गवर्नमेंट का खेला कर देते है यहाँ पे सब, तो यहाँ पे पैसे सीट बिक रहे हैं, मेन तो उसी का, जो गरीब आदमी क्या करेगा। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक का देखिए मामला लगातार झारखंड में गरमाता हुआ नजर आया है, तो साफ तौर पे कहा जाए तो युवागण यहाँ पे परेशान होते हुए नजर आए हैं कि आखिर क्या कुछ खराबी रह जा रही है सिस्टम में, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी आई है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा, 5 साल की भविष्य की बात है, कुछ विकास हुआ है, मूलभूत सुविधाएं सब मिल रही है आपको? हमारी बात दूसरी कहना है, कह रहा है कि राजनीतिक दल लोग मुफ्त की राजनीति और मुफ्त का ये करके इस देश का तो बंटाधार लोग कर देगा, मुफ्त में 200 रुपया खाते में जा रहे हैं तो 300 रुपया खाता में जा रहा है, तो ये है तो ये गैस फ्री में तो ये फ्री में, ये तो सारे राजनीतिक दल वाले लोग तो ये हालत करेंगे कि सब तो वो लोग तो कमाना ही नहीं छोड़ देगा, लोग मेहनत करना ही भूल जाएगा। मुफ्त सुधार चाहिए, सिस्टम में सुधार चाहिए, सिस्टम में सुधार होनी चाहिए। चलिए इन्होंने कहा है सिस्टम में सुधार होना चाहिए। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आखिर उनके क्या कुछ मुद्दे इस बार होने वाले हैं चुनाव के, कि 5 साल भविष्य की बात है, तो जाहिर सी बात है जनता ने क्या आखिर अपना मूड बना के रखा है, क्या जनता सोच रही है, उसी के आधार पे वो वोट देंगे। तो जाहिर सी बात है हम उनसे ही सीधा मुखातिब हो रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मन में क्या है। और भी लोगों से हम बात कर रहे हैं कि उनकी समस्याएं क्या है, आपको सोचकर इस बार वो अपना मतदान का जो अधिकार है उसके सुनिश्चित करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? राहुल रहमान। राहुल जी, वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिए, वोट देने जाइएगा ना? हाँ हाँ। विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम विकास चाहिए। चलिए विकास ही चाहिए और विकास के नाम पर ही वोट देने जाएंगे। और देखिए गिरिडीह की जनता है और गिरिडीह में अक्सर तमाम मुद्दे लगातार बादलों में छाए रहते हैं, तो इनमें से सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का भी कहा जाए, क्योंकि पलायन के अक्सर हमने देखे हैं कि पलायन के मामले सामने आते हैं। कुछ और भी लोगों से हम जुड़ते हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? सुनीता। सुनीता जी, वोट देने जाइएगा, एक महिला भी है, सुरक्षित महसूस करती है गिरिडीह में? हाँ सुरक्षित ही है। तो महिलाओं को देखते हुए, क्योंकि अत्याचार की भी खबरें सामने आती हैं, तो कुछ प्रतिनिधि से मांग होगी महिलाओं के हित के लिए? हाँ, महिला को सुरक्षा बहुत जरूरी है, महिला जैसे कि रात को निकलने में थोड़ा सा डर तो लगता है कि महिला लोग को, तो इसके लिए सुरक्षा करना जरूरी है। देखिए महिला सम्मान योजना निकाला गया, उसका लाभ मिला?
मुझे तो नहीं मिला, मैं सरकारी टीचर हूँ। ये सरकारी टीचर है, शिक्षक है ये, तो जाहिर सी बात है और भी लोगों से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर उनके मन में क्या है, कैसा प्रतिनिधि चाहिए जो अगले 5 साल आपके लिए काम करेगा, जो गिरिडीह का विकास करे, बहुत अच्छा विकास करे। देखिए गिरिडीह की जनता यही चाह रही है कि जो गिरिडीह का विकास करे वैसा ही वो प्रतिनिधि को चुनकर लाएंगे, और गिरिडीह की जनता समझदार है। जाहिर सी बात है, देखिए 5 साल का वो समय होता है, 5 साल के बाद वो आपको मौका मिलता है, और उसी को सोचते हुए जनता अपने जो भागीदारी है उसे सुनिश्चित करती है। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम विवेकानंद राय। विवेकानंद जी, वोट देने जाइएगा, जो सड़क पे चल रहे हैं और घर में जो पानी आता हुआ, सबको सही चल रहा है? पानी तो ठीक है, सड़क की हालत तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो कैसा प्रतिनिधि चाहिए 5 साल जो आपके लिए काम करे? बिल्कुल, जो क्षेत्र का विकास करे, गिरिडीह का विकास करे, वैसा चाहिए हमें। क्या नाम हुआ आपका? एजाज अहमद। एजाज जी, वोट देने जाइएगा, कुछ विकास लग रहा है कि गिरिडीह में हुआ है 5 साल में? हुआ है 50-50। तो 5 साल जब आगे सोच के वोट दीजिएगा तो क्या कुछ समस्याएं हैं जिन पर फोकस होना चाहिए? है समस्याएं तो खैर पता है यहाँ पे क्या है, सबको एमएलए जी को मालूम। कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या ना, वोट देने जाइएगा कि नहीं जाइए? जाएंगे। तो रोजगार मिला है, युवा भी है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। नहीं मिला है तो मांग करते हैं ना, उसके लिए हम लोग रांची में मांग कर रहे हैं। देखिए यही युवा है और देश का भविष्य भी है, और ऐसे में उन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बातों को सरकार के सामने भी रखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात कहा जाए तो यहाँ पे पलायन का मुद्दा हो, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है, तो रोजगार के अभाव में युवागण दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां पलायन करते हैं, और ये भी आरोप लगता है कि झारखंड में बाहर के लोग आकर रोजगार ले रहे हैं लेकिन झारखंड के युवा ही रोजगार लेने में असमर्थ नजर आ रही है। तो इस तरह की भी बातें हमने सुना है अक्सर जब हम ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं। तो कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी रणधीर कुमार। रणधीर जी, वोट देने जाइएगा, रोजगार मिला है? जी नहीं। तो कैसा प्रतिनिधि चाहिए? जी बीजेपी को वोट देंगे इस बार, जो विकास करेगा। जी देखिए, विकास करने वाला ही प्रतिनिधि चाहिए, और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है। क्या नाम हुआ मैम आपका? गुलनास। समझ रहे हैं आप मजे उठा रही हैं फुचके के, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? एक महिला भी है, महिला सम्मान योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला। देखिए जाहिर सी बात है, महिलाएं भी थोड़ी नाराज नजर आ रही हैं, लेकिन कहा जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 50-50 विकास हुआ है और होना चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? MD नसीम अंसारी। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब कुछ सही चल रहा है यहाँ? बिल्कुल सही चल रहा है। जी जी, देखिए गिरिडीह की जनता है और ये कह रही है कि सब कुछ सही चल रहा है। एक हमारे साथ मैम भी जुड़ी हुई है, उनका भी रुख करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम स्वाति हुआ। स्वाति जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिए, क्योंकि आप भी एक युवा है और शिक्षा को लेकर भी सवाल उठते हैं, रोजगार ये सब सही चल रहा है? हाँ अभी तो रोजगार जैसे है सभी सही चल रहा है, और वोट तो देखिए हम लोग का अधिकार है, जो हमारे देश के सुरक्षा के लिए हम लोग को वोट देना जरूरी है। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सोचती हैं आप? सही शिक्षा व्यवस्था यहाँ सही है? हाँ अभी तो शिक्षा व्यवस्था हर स्कूल में, देखिए सरकारी स्कूल में भी मैंने देखा है कि जो पहले दिक्कत होते थे अभी वो चीज का नहीं है, सब पढ़ाई लिखाई में टीचर लोग भी ध्यान देते हैं और ऑब्वियसली हर चीज का सुविधा देते हैं। देखिए अब गिरिडीह की जनता है ये चाह रही है कि बदलाव होने चाहिए, और जाहिर सी बात है जब आप उनके लिए काम नहीं करिएगा तो वो आपको नकारना भी जानती है, लेकिन अगर आप उनके लिए काम करिएगा तो आपको सिर ताजों पर बैठाएगी, यही जनता है। कुछ और भी लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय कुमार। संजय जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा, कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? गिरिडीह तो मीडियम क्लास के लिए कुछ होता ही नहीं है, व्यापार भी माल खाते जा रहा है, ऑनलाइन मॉल वगैरह वगैरह, कोई सरकार हम लोग पर ध्यान है नहीं दे। तो कैसा प्रतिनिधि चाहिए अगले 5 साल के? अरे हम लोग को तो एक वोट देते हैं यही सोच के कि सरकार कुछ सोचेगी, अब किसको देंगे ये तो हम बता नहीं सकते। देखिए जाहिर सी बात है जनता यही कह रही है कि हम उन्हें भी वोट देंगे जो हमारे लिए विकास करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है, सिस्टम के हिसाब से अगर चलेगा तो जनता आपको हमेशा पलकों पर बैठाएगी, लेकिन अगर आप सिस्टम के हिसाब से नहीं चलिएगा तो जनता आपको नकारना भी जानती है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी प्रभात कुमार। आज जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा, सब कुछ यहाँ सही चल रहा है, सड़क की व्यवस्था सही है?
नहीं, वैसा सफाई वगैरह का कमी है, सड़क भी है टूटा फूटा ज्यादा। स्वास्थ्य व्यवस्था? स्वास्थ्य व्यवस्था भी लचर है। उसमें जब 5 सालों के लिए चुनने जाएगा प्रतिनिधि, तो कैसे प्रतिनिधि को वोट दी जाएगा जो विकास करे? बिल्कुल साफ तौर पर इनका कहना है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था भी लचर है, थोड़ी इसमें भी सुधार की जरूरत है। कुछ और भी लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, क्या गिरिडीह में वो परिवर्तन चाह रहे हैं या जो है सो है। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रकाश तिवारी। प्रकाश जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब कुछ यहाँ सही चल रहा है? कुछ नहीं सही चल रहा है। 5 साल आप चुनने जा रहे हैं, अपने भविष्य तय करने जा रहे हैं, तो उन 5 सालों में कैसा प्रतिनिधि चाहिए? हमको चाहिए अच्छा, जो काम करे, समाज को बदल कर रखे, मतलब घिटा पिटा नहीं रहे, उस प्रकार का चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो सिस्टम को सही ढंग से लेके चलेंगे हम उन्हें ही वोट देंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जनता है, जनता जनार्दन है, और जनता के आदेश जो आएंगे उसे ही आपको मानना पड़ेगा। हालांकि 23 नवंबर का वो दिन होगा जब मतगणना होगी और उसके रिजल्ट सामने आएंगे कि आखिर जनादेश किसे मिला है। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, वोट देने जाइएगा, क्या लग रहा है गिरिडीह में सब कुछ सही चल रहा है? विधायक जी को जो आपने वोट दिया होगा, उन्होंने कर्ज उतारा है आपके वोट का? कर्ज क्या, जैसा सरकार है सबका किडनी फेफड़ा सब बिक जाएगा। मतलब 5 साल विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने कहा है कि विकास नहीं हुआ है। कुछ और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? दयाशंकर। दयाशंकर जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब सही चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था सब सही है? कोई चीज़ की व्यवस्था सही नहीं है, ना इलाज की सही व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है। सिर्फ सरकार का भी लास्ट का भी 3 महीना बाकी है, महिला सम्मान का योजना का महिला को पैसा दिया जा रहा है। यही स्कीम जब लाना था तो पूरा, जब सरकार जब बन रही थी उस समय किए करना चाहिए था। युवाओं को भी अभी तक किसी तरह कोई रोजगार के नाम पर सिर्फ ठगा जा रहा है, इसलिए बदलाव जरूरी है। और ये सरकार को अब दोबारा हम लोग वोट नहीं करेंगे। देखिए, आपने महिला सम्मान योजना की बात की, देखिए महिलाओं को लेकर हमने अक्सर देखा अत्याचार भी होते रहते, तो महिलाएं सुरक्षा की भी मांग करती है। अगर हम पुरुष आपके बात करें, तो आप महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहिए, क्या कुछ सेफ्टी में और बदलाव होना चाहिए? सेफ्टी बदलाव के तौर पर जैसे चौक चौराहा पे जैसे महिलाओं के साथ में कुछ भी बदतमीजी होता है, या साइड थोड़ा सा टाउन से जरा सा भी हटके महिलाएं जाने में कतराती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है, तो थोड़ा सा पुलिस का जो गश्ती है थोड़ा सा उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और कुछ महिलाएं पुलिस जो है उनकी भी कहीं कहीं पे तैनाती जरूरी है, जिससे कि महिलाओं को उनसे थोड़ा सा कंफर्ट अच्छा लगे और थोड़ा सा उससे वो सेफ्टी महसूस करें। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, वैसे सेफ्टी को देखते हुए पुलिस की जो महिला पुलिस हो या फिर पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मानव मोहम्मद शफीक। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? क्या सोच के दीजिएगा? कुछ विकास हुआ है? वो तो जब वोट देंगे तब समझ में आएगा। तो प्रतिनिधि कैसा चाहिए, विकास करने वाला चाहिए ना? सब चाहिए। चलिए सब चाहिए। चलिए, देखिए इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सब चाहिए, कि जनता है, जनता सब जानती है और जनता अब समझदार हो चुकी है। क्योंकि जनता की अगर हम बात कर ले तो उन्हीं का आदेश सामने आता है और वही आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं और उनके लिए ही चुने जाते हैं। तो जनता ये उम्मीद लगा के बैठती है कि आखिर जिन प्रतिनिधि को भी हम चुन रहे हैं वो उनके लिए ही काम करे। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? बहादुर शर्मा। बहादुर जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब कुछ सही चल रहा है? बस सब चीज मोदी जी का विश्वास पर सब चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? सन्नी कुमार विश्वकर्मा। सन्नी जी, वोट देने जाइएगा, रोजगार मिला है, शिक्षा व्यवस्था सही है? हाँ। युवा है, आगे भी और तैयारियां करिएगा, तो क्योंकि पेपर लीक के जो मामले सामने आते हैं इस पर क्या कहिएगा, इसको सोच के वोट दीजिएगा? हम तो अभी इस साल नहीं देंगे वोट, अगला साल। चलिए, ये अगले साल वोट देंगे, तो जाहिर सी बात है जनता ने अपना मन बना लिया है कि आखिर उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि जनादेश की अब बारी है, जनता के आदेश की बारी है, तो जाहिर सी बात है अब जनता किसे सिर आंखों पर बैठाती है, अब ये तो समय ही बताएगा। देखिए, जनादेश की बारी है और ऐसे में हम गिरिडीह की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, कैसा विकास उन्हें चाहिए, कैसा प्रतिनिधि चाहिए, तो कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? ज्योत्सना। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? एक महिला भी है, महिला सम्मान योजना है, सबका लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल तो रहा है। कुछ बदलाव यहाँ पे हुआ है? अभी तो ऐसा नहीं।
इधर आ जाइए सर, आप भी वोट देने चाहिएगा, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने चाहिएगा। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी वोट देने चाहिएगा। गिरिडीह की बात करें तो 5 सालों में जो विकास होना चाहिए था उतना विकास हुआ है? खुश हैं आप विधायक जी के काम से? नहीं, पूरी तरह तो नहीं है। क्या चाहिए? अगले 5 साल भविष्य की बात हो रही है, क्या कुछ सुधार आपको चाहिए? ट्रैफिक यहाँ नहीं है ढंग का, पार्किंग वगैरह की व्यवस्था नहीं है, फुटपाथ के लिए व्यवस्था नहीं है। उसके बाद ने कहा है कि फुटपाथ का मुद्दा है और ट्रैफिक का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों को सोचते हुए इस बार अपना वोट देने जा रहे हैं, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। क्या नाम हुआ सर? दीपक गुप्ता। दीपक जी वोट देने चाहिएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? विधायक जी के काम से खुश है? सब कुछ सही है? फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है। पानी बिजली सबकी व्यवस्था सही चल रही है? हाँ ठीक ही एक तरह से है। इन्होंने कहा है कि ठीक ही एक तरह से, जाहिर सी बात है जनता लगातार ये उम्मीद लगा के बैठती है कि आखिर जब वो अपने एक वोट की भागीदारी को सुनिश्चित करने जा रहे हैं तो उन्हें बदले में सब कुछ मिले। क्या नाम हुआ सर आपका? गिरीश कुमार। वोट देने चाहिएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब रोड सही चल रहा है, पानी बिजली सब मिल रहा है? नहीं, कुछ तो कमी है लेकिन पूरा हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका है। प्रियंका जी वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब कुछ सही चल रहा है यहाँ? सही क्या चलेगा, कुछ नहीं चलता। चलिए इन्होंने कहा है कि कुछ नहीं चलता है, और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शाबिर। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? क्या सोचेगा, ये चलना ही है, सब मिल रहा है, मिलना चाहिए सबको, सहायता मिलना चाहिए सबको, गरीब लोग को। और खुश नजर आ रहे हैं आप, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब सही चल रहा है? हाँ सब सही तो चल रहा है, लेकिन फिर भी वोट देखेंगे, मतलब कहीं का पाइप टूट गया, कहीं का कुछ, तो मतलब जो तरक्की कराएगा यहाँ का उसी को वोट दिया जाएगा। आप भी एक युवा है, शिक्षा व्यवस्था सही है आपके हिसाब से? शिक्षा व्यवस्था तो जी सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए कितना प्रेशर पड़ता है बच्चों पे एग्जाम्स का, और फिर कैसा सुविधा है सरकारी स्कूल्स भी है, वहाँ पे भी टीचर्स नहीं आते हैं, जो मील्स होता है वो भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं होता है, प्रॉब्लम तो है। पेपर लीक भी हो रहा है, तैयारी करिएगा, तो कैसी व्यवस्था चाहिए? पेपर लीक ना हो, बच्चों का ध्यान रखा जाए, और फिर ऐसा सारा डेकोरम मेंटेन हो ताकि बच्चे अपना जितना भी मेहनत करें उसके बेसिस पे नंबर ला सकें, या फिर कि पेपर लीक होता है तो आप जानते ना, मतलब जो कम नंबर ला रहा है बेसिकली जो चीटिंग कर रहे हैं वो भी उतना ही ला रहे हैं जो पढ़ के ला रहे हैं। इन्होंने कहा है कि रोजगार सही से होना चाहिए, और साथ साथ जो पेपर लीक के जो मामले सामने आते हैं उसमें भी कमी आनी चाहिए, ताकि सभी को एक सामान्य वैल्यू मिले और एजुकेशन सभी को एक हिसाब से मिलना चाहिए। देखिए टीचर की व्यवस्था की हम बात करें तो शिक्षकों को लेकर ये कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल में शिक्षकों का अभाव है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जा रही है। कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? सरोज कुमार वर्मा। सरोज जी वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब सही चल रहा है? सब सही चल रहा है। चलिए क्या नाम हुआ सर आपका? विकास कुमार चौहान। विकास जी वोट देने जाइएगा, कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? यहाँ तो ऐसा कुछ समय में नहीं आ रहा। पानी शिक्षा स्वास्थ्य सब सही चल रहा है? पानी और शिक्षा, पानी तो है, शिक्षा का तो आप लोग भी देख रहे हैं कि व्यवस्था है। चलिए कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चलिए और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, क्योंकि देखिए गिरिडीह की जनता अब धीरे धीरे और ज्यादा समझदार हो गई है, और ये जानने अपने मनपसंद प्रतिनिधि को कि आखिर उनके लिए जो विकास करे उनको सोचते हुए वोट देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमजद हुआ। बोलिए अमजद जी वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? सब गिरिडीह में सही चल रहा है? जो सही रहेगा वही वोट देंगे, जो अच्छा नेता उसी को वोट देंगे। आपका क्या? सदानंद सिंह। वोट देने गए हैं कभी? नहीं जाएंगे। चलिए अभी वोट नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है ये अपनी भागीदारी को सुनिश्चित जरूर करेंगे कभी। आपका नाम क्या हुआ? गुलाम नाम हुआ। गुलाम जी वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? वोट का जनता जो सब देते हम भी वोट देंगे। सब सही यहाँ पे विकास हुआ है? सही से हुआ, झारखंड में विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। इन्होंने कहा है कि झारखंड में विकास हुआ। देखिए विकास को सोचते हुए ही जनता अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने जा रही है, और अब जनादेश की बारी है। 23 नवंबर का वो समय होगा जब ये पता चलेगा कि आखिर जनादेश किसे मिला है। देखिए गिरिडीह की जनता के मन को जानने की हमने कोशिश की, और T45 की टीम लगातार ये जानने की भी कोशिश कर रही है तमाम विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए कि आखिर
जनता ने क्या कुछ मूड बनाया, क्या परिवर्तन चाहिए, कितना विकास होना चाहिए था, क्या उस विकास से वे खुश हैं या नहीं, या अगर नहीं खुश हैं तो वो अगले 5 साल अपने भविष्य को किस तरीके से देख रहे हैं और कैसा प्रतिनिधि चाहिए। ऐसे में T45 की टीम लगातार तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचती रहेगी और आप तक जनता के मूड को बताती रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत अपने सहयोगी गणेश के साथ। मैं अंकिता शर्मा, T45 गिरिडीह।